आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। स्वागत है आप सभी का आरबीएसई ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजस्थान बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी 22 मार्च 2023 पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, रामबाण प्रश्न है, वो आप सभी को हल करवाने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए रहने वाला है, यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आप सभी के हुबहू जो है 22 मार्च 2023 को इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में आपको वो ये क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी आप सभी का ये 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 20 मार्क आपको 17 अंक के जो कि आपके स्कूल के द्वारा भेजे जाएंगे। इस प्रकार टोटल जो है यहाँ पर 100 मार्क्स में से आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो इंग्लिश के लिए यहाँ पर आपको जो सेक्शन जो डिवाइड किए गए हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर सेक्शन बढ़ेंगे। यहाँ पर रीडिंग सेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते जो रीडिंग जो सेक्शन है, जिसमें आपको दो पैसेज मिलेंगे जो कि से ऐसे नंबर के आपको पैसेज मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, ऐसा मैं तरीका बताऊंगा जो आज तक आपको पता नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पैसेज को यहां पर सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी, चाहे आपको इंग्लिश आ रही है नहीं आ रही है, आप पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आप पैसेज को 100% राइट यहां पर करोगे। तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, इसलिए आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए में, इन्हें जो सेक्शन ए वो आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा, जिसमें यहाँ पर आपको जो दो है यहाँ पर क्या मिलेंगे, सेंसे मार्क्स यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे यानी पैसेज मिलेंगे। फिर यहाँ पर आपका राइटिंग जो सेक्शन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी 15 नंबर का आपका जो है राइटिंग सेक्शन जो है यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर उसमें आपको लेटर मिलेगा, नोटिस मिलेगा, एक पैराग्राफ मिलेगा, और लेटर में भी कई टाइप्स है, वो मैं आप सभी को बताऊंगा किस प्रकार से लेटर को जो यहाँ पर आपको याद करना है, क्या तरीका रहेगा, कौन सा लेटर इंपॉर्टेंट है। बाकी ग्रामर पर ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर की ग्रामर है, और उसके लिए आप जो है इन सभी मार्क्स को यहां पर अनदेखा ना करो, क्योंकि ग्रामर पर स्टूडेंट का ज्यादा फोकस रहता है। ये मानते हैं कि ग्रामर से जो है यहां पर हम अच्छे से क्वेश्चंस को यहां पर अच्छे मार्क्स कर पाएंगे, लेकिन आपको ग्रामर पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको अच्छे स्कोर के लिए क्या क्या करना है इस क्लास में आप सभी को बताने वाला हूं, सब कुछ बता दूंगा। फिर आपके जो यहां पर जो फर्स्ट बुक है वो यहां पर 28 मार्क्स की है, और जो सेकेंड जो बुक है विस्तार करके वो है यहाँ पर 17 मार्क्स की है, यानी 17 मार्क्स की रहेगी। इस प्रकार से यहाँ पर रीडिंग में आपको टू सेक्शन टू पैसेज देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं टू अनसीन पैसेजेस मिलेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पैसेज होंगे जो फैक्चुअल पैसेज पूछे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव पैसेज पूछे जा सकते हैं, कुछ लिटरेरी पैसेजेस पूछे जा सकते हैं। तो मैं आप सभी को बताऊंगा किस प्रकार से जो है यहाँ पर पैसेज पूछे जाएंगे। फिर आपका जो यहाँ पर राइटिंग सेक्शन रहेगा, तो राइटिंग सेक्शन में जो यहाँ पर आपको टू शॉर्ट कंपोजिशन दिए जाएंगे, जिसमें आपको या तो एडवर्टाइजमेंट याद करना है, यानी आपको इस प्रकार से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी या तो आप इस एडवर्टाइजमेंट याद करिए या फिर आपको नोटिस याद करना है, इन दोनों में से आपको एक जो यहाँ पर रटना होगा, या फिर आप जो है यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट जो है आर्ग्यूमेंट वाला या फिर अगेंस्ट वाला जो टॉपिक है वो आप याद कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस, इसके बारे में आप जो है कुछ यहाँ पर तैयार कर सकते हैं पैराग्राफ। तो ये तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो गया। फिर आपके जो सामने एक रिपोर्ट का आएगा, एक रिपोर्ट लिखनी होगी, फिर आपका लेटर है, लेटर में आप सभी को बताऊंगा फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर क्या है, इनफॉर्मल लेटर का क्या स्ट्रक्चर है, ईमेल लेटर कैसे लिखा जाता है, ऑफिशियल लेटर कैसे लिखा जाता है, सब कुछ इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर एप्लीकेशन फॉर ए जॉब इंक्लूडिंग CV, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से हम यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ेंगे किस प्रकार से यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर ग्रामर में तो 4 ही यहाँ पर टॉपिक है, अब की बार काफ़ी सिंपल ग्रामर है, यानी क्लाउजेज आएंगे जिसमें नाउन क्लाउजेज, एडवर्ब क्लाउजेज, रिलेटिव क्लाउजेज जो है यहाँ पर उनसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ पर साइंथेसिस आएगी, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्रैशल जो वर्ब है जिसमें ब्रिक ब्रिंग इस प्रकार की जो यहाँ पर कुछ पूछे जाएंगे। फिर आपको प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, टाइम, स्पेस एंड मेंटल एटीट्यूड, अब की बार यहाँ पर आपके वर्ब गिवन वाली जो यहाँ पर टेंस वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे, और इस प्रकार से 8 नंबर, ओनली 8 नंबर की आपके क्या है ग्रामर का सेक्शन रहेगा। फिर आपके टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यहाँ पर स्टेंजा वगैरह यहाँ पर सम्मिलित है। अब यहाँ पर जो है पेपर को शुरू करते हैं, सबसे फर्स्ट यहाँ पर पैसेज को पढ़ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट पैसेज है ये जो क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। यहाँ पर 22 मार्च 2023 पेपर के लिए काफी जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है,
एकदम रामबाण प्रश्न साबित होने वाला है। अंधेरे से मत डरो, आपको अंधेरे से नहीं डरना है, सितारे अंधेरे में ही समकते हैं। यानी आपको इंग्लिश कंपल्सरी जो सब्जेक्ट है उससे नहीं डरना है, आपको अच्छे से इसके क्वेश्चंस को टैगल करना है, आराम से आपको क्या करना है, एकदम आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पैसेज आप सभी के लिए। पैसेज है वो है हेल्थ पर, किस पर है, हेल्थ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको मैं सिर्फ और सिर्फ अभी यहां पर सबसे पहले पैसेज को पढ़ के बता रहा हूं, लेकिन आपको पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है। पहले क्या करना है, आपको यहां पर क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, जिससे आप जब भी पैसेज को पढ़े तो आपके क्वेश्चंस के आंसर भी साथ ही साथ सॉल्व करते हो जाएंगे। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बींग। वेन वी फील सिक्योर बाय बींग फिजिकली हेल्थली एंड फ्री फ्रॉम डिजीज बाय फीलिंग कंटेंट एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरमेंट, वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। अवर क्लोज एंड हारमोनियम इंट्रेक्शंस विद फैमिली मेंबर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस स्टे वेल मेंटली। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है, एक स्वास्थ्य को लेकर, यानी अच्छे स्वास्थ्य को लेकर यहां पर सब कुछ बात की गई है। यहां भी किस प्रकार से जो है अच्छा स्वास्थ्य हमारे लिए एक बेनिफिट हो सकता है, किस प्रकार से हम फिजिकली और मेंटली फ्री हो सकते हैं, किस प्रकार से यहां पर जो है यहां पर अवर क्लोज एंड हारमोनियस इंट्रेक्शंस विद फैमिली एंड मेंबर एंड नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस स्टे वेल मेंटली। यानी किस प्रकार से मानसिक रूप से जो है यहां पर हम फ्री रह सकते हैं। यहां पर पूरा का पूरा क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। बहुत ही कम लोग हैं जो यहां पर एक पॉजिटिव हेल्थ का एंजॉय ले रहे हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज फैमिली टाइज अपीयर टू वीकनिंग एंड नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्ट। इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशन हैव इंप्रूव्ड कंसिडरेबली एंड द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, एंड देयर इज ऑफ्टन प्लेंटी ऑफ मनी। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर पूरा का पूरा आप सभी के सामने एक बड़ा जो यहां पर पैसेज दिया गया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं इनकी क्वेश्चंस को। अब यहां पर आपको सारे पैसेज समझ में आया हो नहीं आया हो कुछ भी नहीं करना है, आपको अच्छे से क्या करना है, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कोई आपको वो तरीका नहीं बताने वाला, और ऐसा तरीका जो यहां पर 100% जो है यहां पर क्या होने वाला है, कारगर साबित होने वाला है, रामबाण साबित होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए। टू व्हाट डू वी वी ऑल ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। तो सबसे पहले आपको चाहे इस क्वेश्चंस की हिंदी आती हो नहीं आती हो, या आपको क्वेश्चन समझ में आया हो नहीं आया हो, इसमें आपको जो मेन वर्ड है ना उसको आपको ढूंढना है पैसेज में, मेन वर्ड को फाइंड करें इन द पैसेज। तो यहां पर जो मेन वर्ड रहेगा वो ये जो रहेगा, पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। यहाँ पर जो वेल बैंक है ना ये इसका क्या रहेगा, यहाँ पर मेन वर्ड रहेगा, या कह सकते हैं ये इसमें मुख्य जो यहाँ पर रूप रहेगा, जिसे मुख्य रूप कह सकते हैं, मुख्य शब्द कह सकते हैं। अब इसको यहाँ पर फाइंड करना है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं क्या जो है यहाँ पर इसके लिए क्या जो है जरूरी है, तो वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है, वेल बैंक को सर्च करें तो यहाँ पर वेल बैंक हमने फर्स्ट लाइन में यहाँ पर देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल बैंक, और इसका जो आंसर था वो था हेल्थ। तो हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बैंक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेल्थ वाला जो ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है, क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब आप आंसर शीट में कैसे क्वेश्चंस को यहाँ पर आंसर को लिखेंगे, ये आपके सामने क्या आएगी, इस प्रकार से आंसर आएगी आपके सामने, खास ही आएगा। तो आपको लिखना होगा क्वेश्चंस नंबर एक है, क्वेश्चंस नंबर एक का ये पहला है, इस प्रकार से फिर आप लिखेंगे ऑफ आंसर, और फिर आप यहाँ पर करेंगे ऑफ आंसर में से यहाँ पर बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप डायरेक्ट तीसरा कर रहे हो तो यहाँ पर तीसरा आपको करना है, यानी ये वाले जो है यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर आपको यहाँ पर ओनली 4 क्वेश्चंस नंबर की जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर रखनी है। यानी आपको क्वेश्चंस के सीक्वेंस नंबर में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, लिखने में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, जो पूछा गया है आपको अच्छे से यहाँ पर सटीक आंसर देना है।
हाउ मैनी पीपल इन द वर्ल्ड एन्जॉय पॉजिटिव हेल्थ, यानी कितने जो पीपल है, कितने पीपल इस पॉजिटिव हेल्थ का एन्जॉय कर रहे हैं विश्व में, तो फ्यू है या फिर ए फ्यू है या वेरी फ्यू है या फिर द फ्यू है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन्जॉय हेल्थ पॉजिटिव या वर्ल्ड एन्जॉय पॉजिटिव हेल्थ, ये क्या रहेगा, मेन वर्ड रहेगा, क्या रहेगा इस पैसेज का, इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, मेन वर्ड रहेगा। और इस मेन वर्ड को हमें सर्च करना है इस पैसेज में, तो यहाँ पर आपने चाहे तीसरी या चौथी यहाँ पर जो है या थर्ड फोर्थ यहाँ पर लाइन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि वर्ल्ड में कितने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वेरी फ्यू, ये इसका आंसर हो जाएगा, और पीपल इन द वर्ल्ड एन्जॉय पॉजिटिव हेल्थ। तो यहाँ पर वेरी फ्यू वाला कौन सा ऑप्शन है, कौन सा विकल्प है, वो इसका सही हो जाएगा, तो सी आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इन विच कंट्रीज पीपल एन्जॉय बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है, जो पोषण जो यहाँ पर क्रिया है, पोषण की जो स्थिति है वो सबसे बेटर जो है किन देशों में है, तो फिजिकल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, कौन सी कंडीशंस, फिजिकल हेल्थ वाली, ठीक है, और एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो डेवलपिंग कंट्रीज में है या फिर अनडेवलपमेंट कंट्रीज में है या फिर बैकवर्ड कंट्रीज में है या फिर डेवलपिड कंट्रीज में है, तो इसको आपको कैसे करेंगे, यहाँ पर जो न्यूट्रिशनल जो स्टेटस वाला जो यहाँ पर जो है वो क्या रहेगा, मेन वर्ड रहेगा, और इसी को हमें कहाँ सर्च करना है, इस पूरे के पूरे पैसेज में। तो हम पैसेज में सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शायद हमने ऊपर ही यहाँ पर डिस्कस किया था, कुछ यहाँ पर ऐसा वर्ड आया था, ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से आपको अच्छे से क्या करना है, पैसेज को एक बार में यदि आपको नहीं पता चल रहा है, दो बार पैसेज को देखें, फिर आपको यहाँ पर आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा सही जो है यहाँ पर था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है, एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशन हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, द पॉपुलेशन इन हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेट एंड देयर इज ऑब्टेन प्लेंटी ऑफ मनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग, तो यहाँ पर जो डेवलपिंग जो कंट्रीज है किसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, डेवलपिंग जो कंट्रीज है, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो आप मेन वर्ड से क्या कर सकते हैं, इस आंसर को पता कर सकते हैं, तो डेवलपिंग इसके, दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, तो प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, हारमोनियम या फिर एनवायरमेंट। तो इसका आंसर क्या है, आपको क्या करना है, पूरे के पूरे पैसेज में आपको क्या करना है, फाइंड करना है, अच्छे से पेपर जो है पैसेज को जरूर पढ़े, अच्छे से पैसेज को देखे, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर 100% आपको पैसेज में ही मिलेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा, वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लाइफ। तो प्रॉपर एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रॉपर एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है, और इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटोनिम्स पूछा गया है यहाँ पर, विलोम शब्द, देखो दो शब्द आपके आएंगे, दो क्वेश्चन आएंगे, एंटोनिम्स आए तो आपको यहाँ पर हिंदी अर्थ होता है विलोम शब्द, यानी आपको उसका विलोम करना है, और यदि यहाँ पर सिनोनिम्स आ जाए तो आपको क्या करना है, समानार्थी शब्द, या तो सिनोनिम आएगा या फिर सिमिलर वर्ड कहा लिखा आ सकता है कि यहाँ पर इसका सिमिलर वर्ड आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव जो है, तो नेगेटिव का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं द सिनोनिम्स ऑफ यहाँ पर ए वे टू डीलिंग विद समथिंग इज, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका अप्रोच होगा, ए फंक्शंस या फिर फंक्शंस होगा या फिर एनवायरमेंट होगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या होगा, एनवायरमेंट, दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो नोटिस के बारे में करने वाला है, यानी आपके सामने यदि नोटिस आ जाए तो आप कैसे जो है यहाँ पर नोटिस को हैंडल करेंगे, और अब की बार जो यहाँ पर जो नोटिस है वो आपको मिल सकता है सेंस इन स्कूल टाइमिंग, यानी स्कूल का समय चेंज हुआ है, इस पर आपको जो है प्रिंसिपल के द्वारा जो नोटिस जारी हुआ है उसको आपको लिखना है, या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस को लेकर भी यहाँ पर नोटिस आ सकता है। ये दो जो नोटिस है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इन नोटिस को जल्दी से रट लीजिए। एक नोटिस को मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा, तो एज प्रिंसिपल ऑफ द टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर शीत सर एंड ड्राफ्ट ए नोटिस इनटू
नॉट मोर देन 15 वर्ड्स, आपको 15 वर्ड्स से ज़्यादा जो है, 50 वर्ड्स से ज़्यादा है आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स द साइंस एंड स्कूल टाइमिंग विद एफेक्ट फ्रॉम द 1st of October, स्टेट वैलिड रीजन्स फॉर द साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कैसे लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले तो अपना टाइटल लिखना है कि साइंस स्कूल टाइमिंग, साइंस इन स्कूल टाइमिंग्स। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑल द टीचर एंड स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्मेड दैट द टाइमिंग ऑफ स्कूल आर चेंजिंग फ्रॉम द 1st of October ड्यू टू कमिंग विंटर एंड द न्यू टाइमिंग आर एज फॉलोज, 1st shift, 2nd shift। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी प्रिंसिपल है उसका यहाँ पर क्या जाएगा, सिग्नेचर आएगा। 1st shift इस प्रकार से रहेगी, 2nd shift इस प्रकार से रहेगी। ऐसा का ऐसा इसी फॉर्मेट में जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस का यहाँ पर लिख सकते हैं जिस प्रकार से लिखा हुआ है आपको यहाँ पर राइट साइड में। ठीक है, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आपको क्या करना होगा, इसका देना होगा सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर राइट में दे दिया ना, तो आपका ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक नंबर कट हो जाएगा। 4 नंबर का होगा तो एक आपको 3 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर कट हो जाएगा। तो आपको अच्छे से सॉल्यूशंस का जो है पता होना चाहिए। फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पर एक मिल रहा है, बहुत ही एक लेटर मिल रहा है आपको, लेटर यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटर का जो टॉपिक है, दिस समर वेकेशन यू आर प्लानिंग टू विजिट शिमला। आप समर वेकेशन पर जो है यहाँ पर शिमला जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको लेटर लिखना है ट्रैवल एजेंसी को शिमला को, कि रिक्वेस्टिंग देम टू बुक योर ए रूम इन ए 5-star hotel, गिव अदर डिटेल्स ऑफ योर जर्नी एंड द फैसिलिटीज यू रिक्वायर देयर। यहाँ पर रिक्वायर करनी है कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए, कौन कौन से आपको यहाँ पर स्थान पर घूमना है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये एक इनफॉर्मल प्रकार का जो है लेटर रहेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छी 5 बसंत विहार सिक्कर, 10th March 2023 लग सकते हैं, मेसर्स गोयल ट्रैवल्स एजेंट शिमला, डियर सर। ठीक है, इस प्रकार से आपको कुछ लिखना है। फिर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में इसको सॉल्यूशन देंगे, योर ट्रूली मोहन। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर को राइट कर सकते हैं। इन सभी के फॉर्मेट को अच्छी तरीके से आपको रट लेना है, कैसा क्या फॉर्मेट रहेगा अच्छी तरीके से। जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप लेटर को राइट नहीं कर सकते, जिसमें ईमेल लेटर, फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर, एप्लीकेशन जॉब के लिए लेटर, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर प्रकार के आपको लेटर्स के प्रकार आपको दिखने को मिलेंगे। अभी तक आपने इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 22 मार्च 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्न। जीवन में कभी भी हार मानने का इरादा हो तो उन लोगों को जरूर याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, और उन्हीं को हमें करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस फॉर ए जॉब, यानी एक जॉब के लिए आपको क्या लिखनी होगी, एप्लीकेशंस करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इमेजिन दैट द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन ए लीडिंग न्यूज़पेपर, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांडवा एंड रिक्वायर्स ए कन्वेंट एजुकेटेड इंग्लिश टीचर टू टीच सेकेंडरी क्लासेस एंड एज 25 and 30 years, एक्सपीरियंस मिनिमम ऑफ ए 5 years सैलरी, नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, अप्लाई मिनिमम विद इन 15 days टू द प्रिंसिपल सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांडवा, राइट जॉब एप्लीकेशन इन रेस्पॉन्स टू हैव अबव एडवाइजमेंट योर दलीप सिंह। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने एक एप्लीकेशन, यहाँ पर पूरी की पूरी आपको जो डिटेल है, आपको क्वेश्चंस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा इसमें आपको पूरी की पूरी जॉब के रिगार्डिंग डिटेल मिल जाएंगी, यानी किस जॉब के लिए हायरिंग है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, इसको देखते हुए आपको क्या करना है, एक लेटर आपको तैयार करना है। तो लेटर इस प्रकार से लिखेंगे, किसको लिखेंगे, जो भी क्लासेस है स्कूल को लिखेंगे क्योंकि स्कूल में हायरिंग चल रही है। तो B41 सेक्टर 12 झुंझुनू, यहाँ पर 16 अक्टूबर 2023, द प्रिंसिपल सरस्वती सीनियर स्कूल मांडवा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर तो जो सेंटर का जो एड्रेस है वो आपको लिखना होगा, फिर आपको जो रिसीवर है उसको यहाँ पर एड्रेस लिखना होगा, दोनों एड्रेस आपको अच्छे से लिखना होगा। और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश। ठीक है, कि लेक्चरर पद के लिए मैं जो है यहाँ पर आवेदन करने चाहता हूँ या फिर उसके लिए। तो डियर सर, जिस
एप्लीकेशन इज द रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट विच अपीयर इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 5 अक्टूबर 2017 रिगार्डिंग ए वैकेंसी फॉर द पोस्ट एंड इंग्लिश टीचर इन द सेकेंडरी सेक्शन ऑफ योर एसेम्प्ट ए स्कूल आई वुड लाइक टू अप्लाई द सेम माई बायोडाटा एनक्लोज्ड फॉर योर काइंड प्रोजुअल या फिर कह सकते मेरा जो रिज्यूम है वो अटैच किया गया इसी एप्लीकेशन के पीछे आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ गिवन ए चांस टू वर्क इन द योर स्कूल योर फेथफुली दालीप सिंह जो प्रिंसिपल है और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बायोडाटा लिखना है। बायोडाटा में क्या क्या रहेगा मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा, उसके डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, परमानेंट जो भी आपका एड्रेस है वो आपको लिखना है, फादर्स नेम लिखना है एंड मदर्स नेम लिखना है, एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन है वो आपको राइट करनी है जिसमें आप देख सकते हैं पास 12th विद 89%, ग्रेजुएशन विद 75%, पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश एंड विद 70% एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड विद 75%। इस प्रकार से आपको इतना बायोडाटा आपको डिटेल देनी है। यदि आपको कोई भी अदर कोई भी स्किल्स है, यदि आपने जॉब ओरिएंटेड वगैरह कोर्स किया हुआ है तो उसकी भी आप डिटेल रिक्वेस्ट कर सकते हो। जो भी आपका जॉब है जिस प्रकार की उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड आप कुछ भी अटैच कर सकते हैं। तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट एक और क्लास आएगी आज शाम को जो कि बेहतरीन होगी जिसमें संपूर्ण पेपर पूरा का पूरा पेपर अकॉर्डिंग टू न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के अनुसार आपको पूरा सॉल्व करवा दिया जाएगा।